मंडे आवियो पांजो डी आवियो ई में मंडे आवियो करो बदे खुशियों ई में मंडे आवियो अमरीका लंदन दुबई ने अफ्रीका इंडिया ने पाकिस्तान ई में मंडे आवियो या बदे बेगाने भूलिया बदे गामड़ा रंग में बदे आविया ई में मंडे आवियो पांजो डी आवियो ई में मंडे आवियो। ऑल इंडिया मेमन जमात फाउंडेशन की ओर से आने वाले 11 अप्रैल को मेमन डे बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है। इसी प्रकार ऑल इंडिया मेमन जमात फाउंडेशन के अध्यक्ष मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर जी का कहना था कि सर क्या बता सकते हो कि 11 अप्रैल को जो मेमन डे मनाया जा रहा है जो कि पूरी दुनिया में मेमन डे कामयाब हुआ है, आप बता सकते हो कि मेमन डे 11 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? इसका इतिहास ये है कि हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अब आजकल अभी फिलहाल 500 जमातें उसमें हैं, मगर ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत से ये फेडरेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1971 में बड़ौदा में हुई और उस दिन से फेडरेशन की स्थापना हुई और जमातें जो है उस वक्त 80 जमातें वहाँ पर बड़ौदा में 11 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन हुई और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की जमातें उसके साथ में जुड़ती गई। तो हमने ये तय किया कि जिस दिन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की सबसे बड़ी दुनिया की ये ऑर्गेनाइजेशन है और हम ये चाहते थे कि एक दिन ऐसा कोई होना चाहिए कि मेमन डे एक दिन मनाना चाहिए हमको, तो हमने ये सब मिलकर के हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एक हमारा जो कन्वेंशन होता है वो कन्वेंशन के अंदर हमने रेजुलेशन एक ठहराव पास किया के और सारी जमातों ने उसको अनुमोदन दिया, उसको सपोर्ट किया और उस दिन से हम ये मेमन डे 11 अप्रैल को हम मनाना शुरू किए। ये इसके पीछे का इतिहास है। इस साल मेमन डे कहाँ कहाँ और किस तरह मनाया जा रहा है सर? इस साल मेमन डे में ऊपर वाले की मेहरबानी सबका साथ, पिछले साल ऐसा रहा कि पिछले साल हमारी 500 जमातों में लगभग 300-350 जमातों ने मेमन डे मनाया था और इस बार हमको अब तक 400 जमातों का रजिस्ट्रेशन और 400 जमातों का हमको लेटर आ गया है कि कौन जमात किस तरह मना रही है। ये हुआ हिंदुस्तान की जमातों की बात। उसके बाद जो है फॉरेन के अंदर हमारी जो मेमन जमातें हैं वो तमाम मेमन जमातें जो हैं वो कुछ ना कुछ मेमन डे मना रही है। जापान से ये शुरुआत होगा, जापान में मेमन डे मनाया जाएगा, श्रीलंका में मेमन डे मनाया जाएगा, पाकिस्तान में बड़े जोरों शोरों से मेमन डे मनाया जाएगा, ईरान में मनाया जाएगा, सऊदी अरब में मनाया जाएगा, यूएई, दुबई, बहरीन में ये मेमन डे मनाया जाएगा, अमेरिका में, कैनेडा में और यूके में और दूसरी साउथ अफ्रीका में और ईस्ट अफ्रीका में ये मेमन डे मनाया जाएगा। मेमन डे के मौके पर आप क्या सामाजिक कार्य करते हैं? सबसे पहले तो हमने मेमन डे जो मनाना शुरू किया तो हमने लोगों को ये मैसेज दिया था कि इसमें कोई भी नाजायज़ काम इस दिन नहीं होना चाहिए और इस दिन का मकसद ही होना चाहिए खैर का काम करना, भलाई का काम करना, नेकी का काम करना। मेमन बरादरी सारा साल कुछ न कुछ नेकियों का काम करती है मगर एक दिन ऐसा होना चाहिए कि सारे मेमन बरादरी के लोग एक प्लेटफार्म पर आवे और एक दिन ऐसा मेमन का एहसास हो कि भैया ये हमारा दिन है, हमारी नेकी का दिन है। यही पांजो डी है, मेमन डी अदर पांजो डी, मेमन डी अदर नेकी जो डी। ये मकसद से हमने ये काम शुरू किया और जितनी जमाते हैं उन वो सारी जमातें कोई धार्मिक मजहबी भेदभाव के बगैर एकता और भाईचारे का इस दिन काम करना है, इस दिन सेमिनार करना है, नेकियों का काम करना है, गरीबों को खाना खिलाने का है, गरीब की झोपड़पट्टियों के अंदर उनके टूटे फूटे मकान जो है उनको रिपेयर कर देना है, हॉस्पिटलों के अंदर मरीज हैं जो उनको दवाइयाँ सप्लाई करनी है उनको फ्रूट सप्लाई करने का है, जो गरीब जो हैं उनको अनाज उनके घर पर
पहुंचाना है, जो बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास किताब कॉपी वगैरह भी नहीं है, ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चों को जा जा करके घर घर में जा करके उनको जा करके मदद करना है, ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह करना है, हेल्थ कैंप्स वगैरह करना है, हेल्थ चेकअप करने का है, ऑपरेशन, छोटे मोटे मोतिये का ऑपरेशन है, ये सब चीज़ उसमें हो रही है। और ऐसे ही नेकी का काम जो है, सिर्फ नेकी और नेकी भलाई का काम जो है वो हम इस दिन अंजाम देंगे। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में कम से कम 10,000 गरीबों के यहाँ, अलग अलग जमातें हमारी जो हैं, वो 10,000 गरीबों को उस दिन खाना खिलाएगी। लगभग 500 ब्लड के बोटल्स लगभग अलग अलग जमात जो करेगी ब्लड डोनेशन कैंप, उसमें 500 ब्लड के बोतल जो हैं वो जमा होंगे। 10,000 फ्रूट्स के पैकेट हॉस्पिटलों में, अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों को लगभग बटेंगे, और सैकड़ों और हजारों गरीबों को इस दिन मदद मिलेगी। गरीबों का आंसू पोछना, उनकी मदद करना, बगैर जात धर्म भेदभाव का ये काम उस दिन अंजाम दिया जाएगा। एम्बुलेंस जो है वो डोनेट की जाएगी, और बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े काम जो है पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में इसी तरह खैर के, नेकी के काम, भलाई के काम होंगे, एकता का काम होगा, जोड़ का काम होगा, सेमिनार होंगे, और वहाँ पर जमात खाने हमारे जितने हैं उनके जमात खानों के अंदर लोगों को, तमाम धर्म के, तमाम उनको सामाजिक लोगों को बुला करके एक सेमिनार रखा जाएगा। और मेमन बरादरी क्या है, और मेमन बरादरी बिजनेसमैन बरादरी है, इसके अंदर मेमन बरादरी को एक खास एक मुकाम दिलाना, और मेमन बरादरी को एक स्टैंडर्ड उसका बताना कि भाई मेमन बरादरी जो है ये व्यापारी बरादरी है, और मेमन बरादरी अमन पसंद बरादरी है, ये हमारी पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं। इस मेमन डे में दुनिया के मेमनों का क्या साथ एवं सहयोग मिला? मुझे ये फख्र है कहते हुए कि पूरी हिंदुस्तान की हमारी मेमन जमात ही नहीं, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, मगर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों ने मेमन डे के दिन हमको साथ दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट सोली नूर साहब का, कि जिन्होंने मैसेज भेज करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी दुनिया में जो हमारी WMO है वो पूरा मेमन डे को साथ देगी और मेमन डे मनाएगी। इसी तरह इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल रहीम जानू साहब, उन्होंने भी एक मैसेज भेजा है जो यूट्यूब में आपको मिलेगा, मेमन डे तमाम यूट्यूब के अंदर सारे लोगों के मैसेज आप देख सकते हैं, उनकी वीडियो क्लिप देख सकते हैं। रहीम जानू साहब ने भी बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, और वो खुद जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हैदराबाद सिंध में और पंजाब में मोतिये का ऑपरेशन, लेज़र ऑपरेशन 3 दिन तक वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करेंगे, और लगभग 1,000 से लेकर के 1,500 आदमियों का 3 दिन तक वो ऑपरेशन वहाँ पर होगा। मुझे लगता है कि शायद उससे भी कई ज़्यादा लोगों का, गरीब लोगों का ऑपरेशन वहाँ पर होगा। इसी तरह हमारे हारून करीम साहब जो WMO के ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका भी मैसेज हमको मुयस्सर हुआ है। अफजल चामड़िया साहब जो धोराजी जमात पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो खुद जा रहे हैं तुर्की, और तुर्की से कंटेनरों के हिसाब से रिफ्यूजी जो वहाँ पर जमा हुए हैं, वहाँ पर वो रिफ्यूजी को वहाँ पर मदद वो पहुँचाएंगे वहाँ पर। उसके अलावा अनीस मजीद साहब जो हैं वो अपने पाकिस्तान में 1,000 मोटरसाइकिल गरीब लोगों को वहाँ पर दी जाएगी, और उसके बाद वो कुछ लोगों को नौकरियों पे भी वो लगाएंगे। या नवीवाला साहब का मैसेज हमें मिला है, फारूक कासिम का मैसेज मिला है, फैजल अयूब साहब जो WMO के साउथ अफ्रीका के चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका हमें
मैसेज मिला है जो अमेरिका के जो WMO के वाइस प्रेसिडेंट है गफ्फार वरीन साहब, उनका हमें मैसेज मिला है। इलियास हुसैन साहब का मैसेज हमें मिला है। खालिद जूसफ साहब का हमें मैसेज मिला है। मोहम्मद अमीन अल मेमनी जो जिद्दा में मुकीम है, वो उनका भी हमें सऊदी अरब की तरफ से हमको मैसेज मिला है। नसीम ओसा वाला साहब का हमें मैसेज मिला है। रज़िया भाई चश्मा वाला का भी मैसेज हमें मिला है WMO के डिप्टी चेयरपर्सन की हैसियत से। सलीम भाई सांडा का जो जापान के हैं उनका मिला है। सोएब इस्माइल मांगरोलिया जो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं उनका भी हमें मैसेज मिला है। और इस तरह पूरी दुनिया के तमाम बरादरी के लोगों के तो मैसेज जो हैं हम लोगों को मिले हैं। और मैसेज जो तैयब मूसानी साहब जो जिद्दा के जो सऊदी अरब के मेमन बरादरी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका मैसेज हमको मिला है। और उन्होंने साथ सहकार देने के लिए उन्होंने कहा उस्मान बाटली वाला जो पाकिस्तान के एक बहुत नामवर शख्सियत है, कई किताबें कई बुक उन्होंने लिखा है, उनका मैसेज मिला है। यूसुफ कामदार जो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं उनका भी हमको मैसेज मिला है। सिराज इनूस साहब जो श्रीलंका में पिछले साल भी मेमन डे में बहुत अच्छा काम किए थे, इस बार भी गरीब आबादी में जा कर के श्रीलंकन लोकल लोगों को सैकड़ों आदमियों को वो जाकर के पिछले साल भी अनाज जाकर के बांटे थे, इस साल भी जाकर के अनाज वहाँ पर जाकर के बांट करके आएंगे। इसी तरह काफ़ी लोगों के हमको मैसेज रोज मुहैया हो रहे हैं, रोज आ रहे हैं। आप YouTube के अंदर मेमन डे को लॉग करेंगे, मेमन डे में जाएंगे तो आपको तमाम लोगों के मैसेज आपको मिलेंगे। इसके साथों साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिनका साथ और सहकार मुझे मिला है, शेख लुकमान साहब ने तमाम ग्रुपों के अंदर खुद मेहनत करके उन्होंने वॉइस मैसेज क्लिपे ऑडियो वीडियो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भेजा है कि मेमन डे जो है वो मनाना चाहिए। उनका योगदान इसमें हम भूल नहीं सकते हैं। उसके बाद हम मुंशी धोराज भी साहब जो है आप YouTube में जाएंगे तो उन्होंने अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनाए हैं मेमन डे के लिए, आप वो स्लोगन्स भी आप देख सकते हैं। हाजी भा मोहम्मद हुसैन हाजी भा भी बहुत अच्छे मैसेज उन्होंने बनाया है। रसीद भाई बगसरा वालों ने भी अपने हाथ से अपनी कलम से बहुत सारे मैसेज उन्होंने बनाए हैं और अब स्लोगन्स मैसेज वगैरह बन रहे हैं लोगों का और साथ और सहकार हम लोगों को मिल रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हर घर मेमन हर मेमन घर में मेमन डे पहुंच जाए। और मेमन बरादरी 15 लाख मेमन जो है वो हिंदुस्तान में है और पूरी दुनिया में मिला करके 40 लाख मेमन है। हम ये चाहते हैं कि 40 से 40 लाख मेमन के घर में मेमन डे पहुंचे और हर मेमन जो है इस दिन चाहे वो भले क्यों ना गरीब हो मगर वो कुछ ना कुछ खिदमत करेगा, कुछ ना कुछ भलाई का काम करेगा, कुछ ना कुछ नेकी का काम करेगा। और मेमन डे को हम एकता और भाईचारा मोहब्बत आपस के अंदर हमने जोड़ का दिन बनाया है। इस दिन हम ये चाहते हैं कि मेमन डे के दिन एक दूसरे के इख्तलाफ जो हैं आपस के अंदर रंजिशें जो हैं आपस के अंदर जो इख्तलाफ है वो भुला करके एक दूसरे के गले हम मिल जाएं, एक दूसरे की मोहब्बत हम भाई भाई हैं और सारी बरादरी जो आलम इस्लाम सिर्फ नहीं और आलम उखुवत पूरी आलम में जितने इंसान हैं सारे इंसान जो है वो सारे आदम की औलाद है। कुरान में आता है कि कोई भेदभाव किसी धर्म से और जात से तुमको रखना नहीं है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस दिन मेमन डे के दिन हम सब बरादरी जो है पूरी आलम की बरादरी जो है वो इंसान है और इंसानियत का काम हमको करना है। मेरी अपील और मेरी गुजारिश तमाम भाइयों से है, न सिर्फ मेमन बल्कि नॉन मेमन भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। और हमने जो शुरुआत की अजमेर शरीफ में चादर चढ़ा करके, पिछले साल भी अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई गई थी, उससे हमारी ये मेमन डे की शुरुआत हुई है। इस बार मेमन डे के दिन मदीना मुनव्वरा में रोजा खोलने का सुफरा लगाया जाएगा, मक्का मुकर्रमा में रोजा खोलने का सुफरा लगाया जाएगा, ईरान में मसद में वहाँ पर जो जायरीन जो जाते जो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर मसद में ईरान में जायरीन है वहाँ पर लोगों को खाना वगैरह तकसीम किया जाएगा।
इस तरह के खैर के काम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हो रहे हैं और इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की बेग मोहम्मद बाग मोहम्मद अली रोड नाखुदा मोहल्ले में ऑफिस है, वहाँ पर 10 बजे हमने डिग्नेटरीज को, इसमें मिनिस्टर्स हैं, MLA हैं, MP हैं और बॉम्बे के जाने माने जितने सोशल वर्कर्स हैं, सबको हमने मधु किया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग जो है 11 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे आप जरूर तशरीफ़ लाएं, वहाँ पर वो मेमन डे का एक फ्लैग होस्टिंग जो प्रोग्राम जो है, मेमन बरादरी का जो फ्लैग होस्टिंग है वो किया जाएगा, मेमन एंथम जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा, और उसके बाद गार्ड्स ऑफ ऑनर जो खास खास लोग आने वाले हैं, आप तमाम ही लोग उसमें तशरीफ लाइए, गार्ड ऑफ ऑनर तमाम को दिया जाएगा। उसके बाद 20 मिनट का एक स्पेशल ड्रामा है जो मेमन टाइम्स ने उसका स्पॉन्सर किया है, उसके अंदर सामाजिक जो चीज़ें जो हैं उसको उजागर किया गया है, खास करके मेमन बरादरी में शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, वो खर्च को थोड़ा सा बचा करके किस तरह हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, किस तरह भलाई के काम कर सकते हैं, वो उसके अंदर डिस्प्ले किया गया है। बड़ा बेहतरीन ड्रामा बनाया गया है, जो इकबाल नियाजी साहब जो ड्रामा निगार हैं वो पेश करेंगे, और 1 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद कुरला में खनवानी में मैंने मां सोहेल खनवानी साहब ने एक मेडिकल मेगा मेडिकल कैंप उन्होंने रखा है, बॉम्बे के अंदर अंधेरी जमात सबरबन हलाई मेमन जमात के सदर हारून भाई हैं, उन्होंने 850 बच्चों को मेमन डे के अवसर पर उनको इनाम से नवाजेंगे, उनको तमाम 850 बच्चों को इनाम दिया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम जो है बॉम्बे में भी हो रहे हैं और पूरी दुनिया में, इसी तरह पूरे हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में इसी तरह का काम हो रहा है। सर, आप तो कह रहे थे कि मेमन डे बड़ी धूमधाम से और लोगों की सेवा करने के लिए मनाया जाता है, अगर कोई मेमन गरीब हो तो वो किस तरह से मेमन डे मनाएगा? सर देखिए, मेमन डे मनाना जो गरीब है वो सेमिनार जो हो रहे हैं, जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हो रहा है और प्रोग्राम हो रहे हैं, वो उसके अंदर हिस्सा लें और हिस्सा लेकर के उसका भाग बने। और मेमन बरादरी की हम ये चाहते हैं कि जो मेमन लेने वाले हैं, मेमन बरादरी पहले तो बहुत ही कम जो लोग हैं वो लेने वाले हैं, सब देने वाले हैं, जो बदनसीबी से बेचारे मेमन वो हैं जो लेते हैं, हाथ फैलाते हैं मजबूरन में, हम ये चाहते हैं कि वो मेमन भी पाँव पे खड़े हो जाएं, वो मेमन भी जो आज ले रहे हैं मजबूरी से तकलीफ से, वो मेमन जो है वो देने वाले बन जाए। उसके लिए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन काफ़ी स्कीमें कर रही हैं। मेमन जो बरादरी गरीब हो या अमीर हो, हर फंक्शन के अंदर मेमन के हर उसमें गरीब को भी साथ और सहकार हम देते हैं, और गरीब का को गरीब को भी चाहिए कि वो भी अमीर और गरीब का भेदभाव ना समझ करके, कोई शर्म ना रखते हुए मेमन के हर प्रोग्राम में उनको शामिल होना चाहिए। हमारी मेमन बरादरी के अंदर एक खूबी की बात है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम एक ही सफ के अंदर खड़े हो जाते हैं, एक ही लाइन में खड़े होते हैं, खाना अगर खाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम कोई भेदभाव उसका नहीं रखते। कैमरामैन युवराज के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SCN TV न्यूज़, मुंबई।